नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह SBL के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ हैं होम्योपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर VK चौहान। आइए आज जानते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में पूरी जानकारी। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सर, आपका SBL के YouTube चैनल पर स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले जानेंगे कि स्ट्रेस क्या है। तनाव को हम इस तरह समझ सकते हैं कि एक ये इमोशनल फीलिंग्स हैं और आमतौर पे रोजमर्रा की जिंदगी में ये होती ही रहती है। हमें जब हम किसी रोड ट्रैफिक में फंस गए हैं या कभी हम लेट हो गए हैं या ऑफिस में हमारे पास ज़्यादा काम है तो हमें कभी थोड़ी सी इरिटेबिलिटी, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा नर्वसनेस, तो ये मिक्सअप फीलिंग है जो कि तनाव की स्थिति पैदा करती हैं। स्ट्रेस कितने प्रकार के हो सकते हैं? हम ये समझ सकते हैं कि जिंदगी में मोर और लेस ये दो प्रकार के स्ट्रेस माने गए हैं। पहला तो ये मान के चलते हैं कि एक यू स्ट्रेस है, एक इतना तनाव जिंदगी में होना चाहिए कि आपको ये चलने के लिए जुनून बन के रहे कि आप जीतने वाले हैं, करने वाले हैं, और आप में एक खुशी रहे, पॉजिटिव एटीट्यूड बना रहे, उसको यू स्ट्रेस कहते हैं। दूसरा स्ट्रेस जो है, जो कि आम जिंदगी में जिसको हम खराब स्ट्रेस कहेंगे, वो है हमारा डिस्ट्रेस। और डिस्ट्रेस में भी दो प्रकार माने जा सकते हैं। पहला तो है एक्यूट स्ट्रेस, जो कि एपिसोडिक होता है, कि जो कि कभी कभार छोटी सी बात के लिए हो गया फिर ख़त्म हो गया। लेकिन जो क्रॉनिक स्ट्रेस है वो सस्टेन रहता है और बहुत देर तक रहने से जीवन में वो बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर देता है हमारे लिए। लेकिन लोगों को कैसे पता चलेगा कि स्ट्रेस को हम कैसे पहचाने? अब रोजमर्रा की जिंदगी में स्ट्रेस तो होता ही रहता है, तो इसके दो प्रकार के लक्षण होते हैं। एक तो शारीरिक लक्षण है, दूसरे मानसिक लक्षण है। शारीरिक लक्षण में हम ये देखते हैं कि लोगों को हेडेक हो जाता है, टेंशन हेडेक है, कंधों में दर्द है, तो ये सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस के नाम से लोग बागाते हैं। किंतु व्यवस्थित रूप से देखा जाए तो एक स्पाजम्स है, जो मसल्स कंधों के हमारे स्टिफ हो जाते हैं, या फिर गले में आपको लगता है कि कोई लंप है। कुछ मरीज ये कहते हैं कि साहब हमारे गले में कुछ फंसा हुआ है, लोगों को भूख नहीं लगती, नींद कम आती है, कमर में दर्द है, बार बार मोशन आता है, बार बार पेशाब आता है, या चेस्ट में भारीपन लग रहा है। तो ये तो शारीरिक लक्षण हुए। लेकिन दूसरे लक्षण ये होते हैं कि जब आप बहुत ही टेंस होते हैं तो आप बहुत सोचते हैं, निगेटिव प्रकार की सोच हो जाती है आपकी, आप नर्वस हो जाते हैं, आप डरने लगते हैं, आपको लगता है आप अकेले पड़ गए हैं, आपका कोई मददगार नहीं है, और आप ज़िंदगी को इंजॉय नहीं कर पाते। साथ में आपका जो एक सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। सर, अब आपसे जानना चाहेंगे कि क्रॉनिक स्ट्रेस के लक्षण क्या हो सकते हैं? आमतौर पे क्रॉनिक सस्टेन्ड स्ट्रेस जो होता है ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को ऑप्टिमम लेवल पे जागृत कर देता है, और इसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में एक स्त्राव पैदा होता है जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, कॉर्टिसोल होता है। वो कॉर्टिसोल जो है वो क्या करता है कि एक तो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, सोडियम रिटेंशन करता है, ग्लूकोज को प्रभावित करता है शरीर में, और ये बहुत दिनों तक सस्टेन जब रहने लगता है तो इसकी वजह से आपको खतरा रहता है कि ब्लड प्रेशर हो जाए, डायबिटीज़ हो जाए, ओबेसिटी हो जाए। और ओबेसिटी होने के साथ साथ में आप देखिए, ओबेसिटी तो अल्टीमेटली हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देती है और फिर हम हर प्रकार की बीमारियों के लिए बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाते हैं। हमारे शरीर में इतनी ताकत नहीं रहती कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को रूटीन में अच्छी तरह से प्रयोग में ला सकें। स्ट्रेस की वजह से मूड और बिहेवियर में क्या चेंजेस आ सकते हैं? आमतौर पे जो हमारा मूड है वो थोड़ा एंग्शियस रहने लगता है, हम बड़े रेस्टलेस हो जाते हैं, हमारा मोटिवेशन कम हो जाता है, जल्दी चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा आने लगता है, और लोग बाग आमतौर पे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। और जहाँ तक हमारे बिहेवियर का ताल्लुक है, आमतौर पर लोग बाग विड्रॉल कर लेते हैं, सोशल विड्रॉल हो जाता है, फैमिली में अपनी पत्नी से बात नहीं कर रहे हैं, बच्चों से बात नहीं कर रहे हैं, मित्रों से बात नहीं कर रहे हैं, और बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं एकदम से। या फिर क्या करते हैं, कुछ लोग अल्कोहल लेने लगते हैं, कुछ लोग तंबाकू का प्रयोग करने लगते हैं, और कुछ लोग तो ड्रग्स भी लेने लगते हैं, जो कि एक बहुत ही खराब बात हो जाती है इनके साथ में। क्या ऐसा पॉसिबल है कि डाइट के थ्रू स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है? हाँ, कुछ हद तक हम कुछ भोजन पदार्थ जो हम देखते हैं उनमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं,
तो उनमें कार्बोहाइड्रेट हमने देखा कि लोग जो ज्यादा चिंता के शिकार होते हैं, अगर वो मीठा पसंद करते हैं तो उनको थोड़ा सा बहुत अच्छा लगने लगता है, लेकिन इसका प्रयोग कम से कम करना चाहिए। विटामिन B6, विटामिन के साथ में मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैट और जो ऑर्गेनिक चाय है या टी है उसका प्रयोग देखा गया है कि ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह हमारे मस्तिष्क को या नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करने में बहुत मददगार होते हैं। काफी बार पेशेंट ये भी पूछते हैं कि क्या स्ट्रेस हेरिडिटरी हो सकता है। कुछ ऐसी स्टडीज की गई हैं और उसमें ये पाया गया है कि स्ट्रेस कुछ लोगों में हेरिडिटरी हो सकता है। आमतौर पर ये इतना बड़ा इसका रोल नहीं है कि हम कहें कि हेरिडिटरी होता है, लेकिन कुछ केसेस में ये संभावना बिल्कुल पाई जाती है। अगर हम बात होम्योपैथी की करें तो होम्योपैथी स्ट्रेस को अदर मोड ऑफ ट्रीटमेंट से कैसे डिफरेंट दिखती है? होम्योपैथिक सिस्टम जो है वो जो मॉडर्न मेडिसिन की जो फिजियोलॉजी है या साइकोपैथोलॉजी है उसी को वैलिडेट करती है। हमारा कोई अलग से विचार नहीं है स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस आजकल की सामाजिक व्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है और इसका हमारे सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, तो हम इसको उसी तरह लेते हैं जैसे कि स्ट्रेस को हमारी फिजियोलॉजी में समझते हैं। क्या होम्योपैथी स्ट्रेस से गुजर रहे बच्चों और बुजुर्गों के लिए सुटेबल है? बहुत। होम्योपैथी ग्राउंड लेवल पर बहुत अच्छी तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हम प्रयोग में ला सकते हैं। और आप जानिए कि कुछ लोग नर्वस होते हैं, कुछ लोग एंग्शियस होते हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल सोचने का तरीका ही ऐसा होता है। उनके लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल दवाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। कालीफॉस है, जेलसीमियम है, अर्जेंटम नाइट्रिकम है और कुछ ऐसे ब्रेन टॉनिक्स भी हैं जो कि बड़े सपोर्टिव हैं। खास करके बकोपा मनरी है या एविना सटाइवा मदर टिंचर है, इनका प्रयोग बहुत उपयुक्त और बहुत अच्छा माना जाता है और लोग बाग इसका काफ़ी प्रयोग करते हैं। किंतु मेरा अनुरोध ये रहेगा कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसको अगर आप किसी क्वालिफाइड होम्योपैथिक फिजिशियन को दिखा करके उसके बारे में राय लें और उनसे मेडिकेशन लें तो वो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा, बशर्ते कि आप किसी के कहने पर या किसी किताब में पढ़कर या पत्राचार में किसी के माध्यम से आप दवा ले लेते हैं, वो उचित नहीं है। यदि कोई पेशेंट होम्योपैथी मेडिसिन ले रहा है और उसके साथ वो एलोपैथी ट्रीटमेंट भी लेना चाहता है तो क्या ये पॉसिबल है? आमतौर पर जो लोग आते हैं हमारे पास में वो कन्वेंशनल मेडिसिन ले रहे होते हैं। ऐसी अवस्था में जो कन्वेंशनल मेडिसिन का कोर्स है वो उनको जरूर पूरा करना चाहिए और होम्योपैथी इसमें एक सप्लीमेंट्री रोल अदा करती है जिसको कि कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की तरह वो साथ में लें तो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। क्या स्ट्रेस के टाइम में होम्योपैथी लेना सुरक्षित है? जी, स्ट्रेस तो आमतौर पर जिंदगी में रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है, लाइफ स्टाइल का हिस्सा है, आपको इसी के साथ जीना है तो कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। होम्योपैथिक प्राइमरी लेवल पे फर्स्ट सपोर्ट सिस्टम तो आता ही है। अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम है जैसे क्रॉनिक स्ट्रेस में आपको PTSD है, हो सकता है आपको एलोपैथिक दवाएं या कन्वेंशनल मेडिसिन का लेना साथ में ज़रूरी हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम देखते हैं कि ये होम्योपैथिक से रोजमर्रा के लेवल पर हम इसको मैनेज कर सकते हैं। सर, आप हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? स्ट्रेस मैनेजमेंट तो हर किसी को करना पड़ेगा, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे वो एडल्ट हों, चाहे ओल्ड हों, क्योंकि आपके ज़िंदगी का हिस्सा स्ट्रेस है आज के ज़माने में। आप मॉर्निंग वॉक पे जाइए, योगा करिए, प्राणायाम करें और लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन करें तो ये काफ़ी हद तक आपको स्ट्रेस से बचाए रखने में मदद कर सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप SBL का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।